हेलो टेक पैरासाइट्स, सूरज मिश्रा दिस साइड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओप्पो A79 5G। जी हाँ, इसका सेलिंग प्राइस अभी चल रहा है 19,999 का और अमेजोन पे अभी सेल भी चल रहा है, तो आप जरूर चेकआउट करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस फोन का। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओप्पो A79 5G के फीचर्स, प्रोज एंड कॉन्स एंड क्या आपको ये फोन बाय करना चाहिए कि नहीं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ अच्छे अंडर 20 के फोन्स के भी लिंक्स दिए हैं, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज आते हैं इस फोन के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस पे। सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं हम। तो देखिए, ये एक 193 ग्राम का फोन रहने वाला है, एक लाइट वेट फोन इसको कहा जाएगा। इसका स्क्रीन का साइज है 6.72 इंच, IPS LCD डिस्प्ले है, एमोलेड नहीं है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। ओवरऑल डिसेंट डिस्प्ले। ब्राइटनेस की बात करें तो इसका ब्राइटनेस जाता है 680 निट्स तक, तो ब्राइटनेस भी डिसेंट है, सन में आपको दिक्कत नहीं होगी। चार्जिंग की अगर बात करें तो इसमें आपको 33 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है और 5000 की बैटरी इसमें आपको देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 जो कि 7 नैनोमीटर बेस्ड है और इसका जो एंटीटू है वो इसको निकल के आता है लगभग 4 लाख के आसपास, तो डिसेंट प्रोसेसर बोला जाएगा इसको। गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 8GB और 128GB UFS 2.2 वाला रैम रोम। कैमरा की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा F1.8 अपर्चर का और इसके साथ ही साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, यानी डुअल कैमरा सिस्टम है इसमें। वीडियो आपका ये 1080p 30fps तक रिकॉर्ड करता है प्राइमरी कैमरा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल मिलता है F2.2 अपर्चर के साथ और इसमें भी आपको 1080p 30fps तक रिकॉर्डिंग करा देगा। कुछ और फीचर्स हम इसके डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि इसमें आपको मिलता है एंड्रॉइड 13 एंड कलर OS 13.1। इसमें आपको डुअल नैनो सिम स्लॉट मिलता है और कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, बढ़िया चीज है। इसमें आपको टाइप सी मिलता है 2.0 वाला एंड ये OTG सपोर्ट भी करता है। वाईफाई 5 देखने को मिलता है और ब्लूटूथ वर्जन 5.3। साइड फिंगरप्रिंट है इसमें, ये चीज ध्यान रखनी है। सारे ही नेसेसरी सेंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टीरियो स्पीकर है, बढ़िया है। 3.5mm जैक भी मिल रहा है, तो ये भी अच्छी चीज है। 5G ऑफ कोर्स ये सपोर्ट करता ही है। पांडा ग्लास प्रोटेक्शन कंपनी बोलती है, इसमें आपको देखने को मिलता है और IPX4 का स्प्लैश रेजिस्टेंस इसमें मिलता है। अब आ जाते हैं इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स पे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये फोन आपको क्यों बाय करना चाहिए। तो देखिए, ये काफी गुड लुकिंग फोन है, प्रीमियम लुक के साथ आता है ओप्पो एंड बहुत ही थिन बेजल्स भी लेके आ रहे हैं ओप्पो यहाँ पे। इनहैंड फील, लाइट वेट है, ये इनहैंड फील काफी अच्छा रहेगा इस फोन का, तो इस सेगमेंट में ये फोन अच्छा है। साथ ही साथ इसका 5G सपोर्ट भी काफी अच्छा है एंड बढ़िया बात की इसमें फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है जो कि कंपनी क्लेम करती है 50% आपका 30 मिनट में ये चार्ज कर देगा। देखिए, मैं कहूंगा ज्यादा कुछ खास है नहीं प्रोज में कहने के लिए, क्योंकि ये फोन किसी भी सेगमेंट में नेक्स्ट लेवल नहीं है। तो अब सीधे आ जाते हैं इस फोन के कॉन्स पे, ये फोन आपको क्यों बाय नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इसमें आपको कोई भी 4K नहीं मिलता है। इस प्राइस सेगमेंट में आपको बड़ी आसानी से ज्यादातर फोन्स में 4K रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ कोई भी OIS नहीं है जो कि एक मेजर कॉन है कैमरा सेगमेंट में। इसके अलावा इसमें कोई भी अल्ट्रा वाइड नहीं है, मैक्रो नहीं है, तो कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं बोला जाएगा इसको। साथ ही साथ इसमें बेसिक चीजें जैसे कि NFC, रेडियो, ये सब नहीं है। और यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा है, साइड फिंगरप्रिंट मिल रहा है। 20,000 प्राइस रेंज में इन डिस्प्ले बहुत ही आसानी से कंपनी दे सकती थी, कंपनी ने यहाँ पे बहुत ही मेजर कॉस्ट कटिंग की है। साथ ही साथ चाइनीज फोन है, ब्लोटवेयर आपको देखने को मिल ही जाएंगे। स्टोरेज ऑप्शंस में भी ज्यादा कुछ खास है नहीं, सिर्फ 128 ही मिल रहे हैं। बस अच्छी बात यह है कि आपको SD कार्ड लगाने को मिल जाएगा। सो हम अपने फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं कि क्या आपको ये फोन बाय करना चाहिए कि नहीं। देखिए, मैं कहूंगा ये एक एवरेज फोन है और किसी भी सेगमेंट में नेक्स्ट लेवल नहीं है। अब जो ओप्पो के फैन है, जिनको ओप्पो की सेल्फी अच्छी लगती है और जो गुड लुक्स चाहते हैं अपने फोन के, तो वो ही इस फोन के साथ जाएं। इसके अलावा अगर इस बजट में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन्फिनिक्स 030 के साथ भी जा सकते हैं, लावा अग्नि 2 के साथ भी जा सकते हैं, राइट? तो ये कुछ अच्छे फोन्स रहेंगे। IQ Z7 भी एक अच्छा फोन रहेगा। अच्छा, अगर आप ये बाय करना चाह रहे हैं तो देखिए, अभी अमेजोन पे सेल चल रहा है इसका, तो जरूर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेकआउट करें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अपना फीडबैक हमको कमेंट्स में दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।